the dashing Varun Dhawan. Of course, how can we miss our gorgeous Kriti Sanal? बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब नाउ सिटी बॉलीवुड यूट्यूब चैनल। आई फील वेरी प्राउड दैट आई कैन बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट एंड टू सी भेड़िया एंड ऑल ऑफ इट्स ग्लोरी इज सो एक्साइटिंग। जब हम लोग फिल्म प्रमोट करते हैं तो हम लोग हमेशा बहुत डिफेंसिव रहते हैं, वन फुट बैक रहते हैं, बट I really feel that Bhediya is one of my most accomplished films that I've ever done, one of my best films in my filmography, and I'm just very thankful to Amar and Dinu for giving me Bhediya. I genuinely can't wait for 25th November and for people to see what we've done in all those transformation scenes and the VFX and stuff. तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िया ने मुझे ही क्यों काटा है? हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हूँ। लास्ट इवनिंग वी ऑल एक्चुअली सॉ द फिल्म एंड आई थिंक वी वर ओवरवेल्म्ड व्हेन वी सॉ इट। आई थिंक इट्स द लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स ऑफ वर्क दीज एक्टर्स हैव गिवन दिस फिल्म देयर लाइफ एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट्स इंडियाज फर्स्ट क्रीचर कॉमेडी एंड ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ द वन एक्टर हु इज एक्चुअली नॉट हियर राइट नाउ। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। मुझसे भी नहीं। सेफ समझ के चुत्तर चबा गया मेरे भाई का। वी मस्ट कॉल अभिषेक बैनर्जी हुज कोलकाता इज वेरी ओन हुज किल्ड इट एंड आई कैन से इट बिकॉज़ आई सॉ द फिल्म यस्टरडे। आई थिंक ही इज किल्ड इट इन द फिल्म। ही इज आउटस्टैंडिंग, रियली अमेजिंग इन द फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक हमरा खूब तरह के बोले मेहनत करे ये सिनेमाटा बनी छी। इनार अनेक बड़ो बड़ो स्टार किंतु एकदम एक्टर मतन सेट छिलो आर अनेक बेशी हार्ड वर्क करे छे। I think I've seen the trailer and Varun, what do I say? I mean, I had seen him growing and of course I had an opportunity to work with David long, long back in Aadhiya. But all my best wishes to the entire team. And what's funny when... Please do watch. I shobai ke bolbo. Amar ekhane media er bondhura ache. Ami trailer ta dekhechi and ami nije fan. বরুণের আমি নিজে একজন বড় ফ্যান, কারণ ও আমার মনে হয় একটা জেনারেশনকে রিপ্রেজেন্ট করে অ্যান্ড আই থিঙ্ক এভরিবডি উইল লাভ দিস ফিল্ম। ইসমে এক ইনসান ভেড়িয়া বন জাতা হ্যায়, এক ইনসান লিটারালি ইনসান ট্রান্সফর্ম হোকে এক জানওয়ার বন জাতা হ্যায়। অর ইয়ে জিম্মা উঠায়া হ্যায় ডিরেক্টর অমর কৌশিক নে, দ্যাট উই মেক ইউ বিলিভ কি जैसे हमारे फोकलोर में ऑलवेज राय नागिन को लेके बहुत कहानियां रहे कि एक इच्छाधारी नागिन बनती है, तो ये दूसरी फोकलोर है, वह एक इंसान लिटरली एक जानवर बन जाता है। इट साउंड्स अनबिलीवेबल, आई नो दैट, बट यही काम है पिक्चर का, आपको बिलीव कराना कि ऐसा हो सकता है। और इसलिए दिस फिल्म हैज़ 3 एक्सेप्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल सीन्स विद द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ VFX जो आपको ये बिलीव कराएगी। लोगों को ऊंचा सुनाई देता है ना, मुझे नीचा सुनाई दे रहा है। मेरे पिक्चरों में ज़्यादातर डांस रहता है या रोमांस रहता है या कॉमेडी रहता है, इस फिल्म में ये सारे चीज़ें इतनी थी नहीं। इट वॉज क्वाइट अ क्रेजी रोल। क्रेजी इज द वर्ड आई हैव टू यूज़, क्योंकि एक वक्त पे इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, हंसता खेलता नॉर्मल, और जब उसे जंगल में भेड़िया काट लेता है, जो ट्रेलर में भी है, उसके बाद जो चेंजेस होते हैं उसमें, द पैरानोया, द हाइपरनेस, जो ऊंचा नहीं नीचा सुनाई देता है, खुशबू बदबू में बदल जाती है और बदबू खुशबू में, मतलब ड्रैकुला जैसे दांत आ जाते हैं, रामपुरी चाकू जैसे नाखून आ जाते हैं, और लोगों की बोलते ना, लोग बोलते ना, हाँ अरे मेरी फटती है, फटती मेरी तो लिटरली फटती और फटके पीछे से पूंछ निकलती है। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया, भेड़िया, रामपुरी चाकू जैसे नाखून निकलते और ड्रैकुला जैसे दांत। इट्स एक्चुअली जो फिल्म है, इट्स बेस्ड ऑन अ लेजेंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश कॉल्ड यापुम। Yeah. And it's a legend which people believe, जहाँ पे एक बंदा फॉरेस्ट में गया था, एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हेन ही रिटर्न्ड ऑन ऑल फोर्स एंड स्टार्टेड बिलीविंग समथिंग
had got into me, vishanu aa gaya tha uske andar. Jaise hali mein we've just been through a virus, COVID, which was very deadly. This is kind of based on the next vishanu. To main darana nahi chahta logo ko, but ek theory hai aisa. To bahut hi well crafted and well made hai. So my inspiration was just real life folklore jo Arunachal ke वादियों में मुझे मिला था. मैं भेड़िया के एक्चुअली डॉक्टर प्ले कर रही हूँ. अच्छा. तो द ओनली पर्सन हु कैन टेम द भेड़िया और हेल्प द भेड़िया इज टू सम एक्सटेंट मी एंड माय कैरेक्टर. आई थिंक मोर देन दैट व्हाट आल्सो हैज हैपेंड इज दैट इन द सिक्स इयर्स वी नॉट शॉट टुगेदर, वी एक्चुअली बीन रियली गुड फ्रेंड्स एंड दैट बॉन्ड हैज जस्ट स्ट्रेंथेंड एंड बिकम इवन नाइस एंड बेटर. सो द कम्फर्ट लेवल वॉज अ लॉट मोर दिस टाइम. And the hunger was the same, you know. So it was. I actually had a lot of fun working with him, a lot more this time because I knew him so well. Of course, it's a very different kind of a film that we shot together. But just feeding off each other, doing scenes was a lot of fun. कल रात को क्या खाया था? प्रकाश. प्रकाश के साथ खाना खाया था. So I think it's very important to give them an international quality. You know, as a country also we're becoming more proud. So the strength of Bhediya is it's a true Indian legend. It's got VFX not good for India. It's VFX as good for the world. And I think that is Bhediya's biggest achievement. That when you actually see the wolf, he's not here right now. You're going to feel you're not watching VFX. You're going to feel that like when you see a Jungle Book. So I think as Indians, you all are going to be very proud of this in this wolf, and it is of international level. Jungle mein kaand ho gaya. जो शक्तियाँ obviously आती हैं उसके लिए एक तो है भूख, और भूख मिटाने के लिए भेड़िया अपने hunt के लिए जाता है. तो रात को वो क्या खाता है या किसे खाता है वो एक चीज हो जाती है, एक प्रॉब्लम हो जाता है. वो इंसान खाता है या जानवर खाता है वो आपको देखना पड़ेगा, बट इंसान पसंद है उसे खाने में. एंड शक्तियों का उपयोग करने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि ही इज रियलाइजिंग कि उसमें क्या क्या शक्तियाँ हैं. एक सीन है फिल्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन सीन है, जो पहला जो थोड़ा सा झलक है ट्रेलर में, जहाँ पूंछ निकलती है और बैक के जो बोन्स हैं क्रैक होते हैं, उसके अराउंड 32 टेक्स हुए थे. एंड ऑनेस्टली मेरा एक TMJ इशू हो गया था, आई हैड अ लॉक जॉ, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के मेरा जॉ ऐसे अटक गया था एंड आई नीडेड मेडिकल हेल्प फॉर दैट. एंड देयर वर देयर इज अ वॉल थ्रू विच आई ब्रेक, एंड क्योंकि रीटेक होता है आई हैव टू कीप क्रैशिंग थ्रू दैट. तो मेरे हिसाब से मेरे जिंदगी, आई नो इट्स अ वेरी फिजिकल सीन, बट मेरे हिसाब से वो मेरे जिंदगी का सबसे टफेस्ट सीन है आज तक. वॉज 32 takes करने के बाद I was absolutely exhausted. Extremely different from my first Telugu film One. That was a psychological action thriller. This is actually a creature comedy. It's completely different. And in fact, I feel like a creature comedy as a genre has not really been done, here in India. I feel, at least I haven't seen. We've seen a lot of creature films. We've seen Nagin. We've seen Junoon. We've seen all these other films, but the blend of comedy is what makes this unique, and of course the VFX and the Bhediya, which I feel like when I was watching it, I just felt extremely proud of it. It is so well done. It is comparable to Hollywood standards, and I think I really can't wait for everyone to see it. I think not only India, but I have not seen a film like this in the West also. So I don't know it. This if you can match any film, let us know. क्या छुपा रहे तुम सर? कुछ हुआ नहीं है मुझे. हुआ? मैं कह रहा हूँ ना, नहीं हुआ कुछ. हुआ हुआ. सुनो ना बेटी को. जिसका डर था ना वो शुरू हो गया. ये कैरेक्टर हाँ बहुत अलग है. पहली बार मैं एक वेट प्ले कर रही हूँ, जानवरों की डॉक्टर है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूज्ड डॉक्टर है. शी नेवर गिव्स यू द करेक्ट आंसर. शी ऑलवेज विल नॉट टेल यू व्हाट हैज हैपेंड टू यू. जानवरों की डॉक्टर है, इंसान का इलाज करिए जिसके अंदर जानवर घुसा है, तो और क्वकी है. बट या शी इज अ फनी कैरेक्टर. फॉर मी आई थिंक इट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशनल सीन्स, बिकॉज इट्स अ ब्लेंड ऑफ VFX एंड परफॉर्मेंस टुगेदर, सो इट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशनल. आई थिंक फॉर मी माई फेवरेट पार्ट इज देयर द सेकेंड टाइम व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस. आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी सीन. And also there is one scene that I have with Abhishek Banerjee and Palin. No, Palin is not there, sorry. Abhishek Banerjee and Deepak sir.
जो ट्रेलर में भी है, जब ये बोलते हैं कि मुझसे देखा नहीं जा रहा है ना, ऐसे मुझसे भी देखा नहीं जा रहा है, और हम एक्चुअली इनकी बम को देख रहे हैं. सॉरी पालन इज देयर, या सॉरी आई एम कंफ्यूज्ड. सो दैट सीन, द टफेस्ट पार्ट एक्चुअली, आई मीन इन द एंटायर फिल्म मोस्ट ऑफ माई सीन्स आर कॉमिकल. देयर इज वन प्रोबेबली स्लाइटली मोर इंटेंस सीन विच वॉज द टफेस्ट फॉर मी. To know the Bollywood latest updates, subscribe now City Bollywood YouTube channel.